Hello everyone and welcome back to another very important video session from Unacademy Studios Placebo. In this video, we will be talking about the 6 month strategy or the 6 month plan to demolish the NEET 2020 examination. So, aap logon ke exam mein sirf 5 se 6 mahine bache hue hain. How to utilize those 5 to 6 months and how to prepare yourself, how to get the confidence, jise ki aap apna examination bahut acche tarike se dein. And since इस बार single entrance है, तो किस तरीके से एक ही shot में अपना entrance exam clear करें, उसके बारे में कुछ basic tips जो हैं, वो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ. And I hope that this video is really going to be beneficial for all the aspirants who are going to give NEET this year. All right? So before starting, I just want to let you know about some basic facts. This is our team Placebo. हम लोग आपको YouTube पर पढ़ाते हैं. This is the basic info about me. Okay? So आप लोग अगर देखना चाहते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं. Otherwise, हम लोग proceed करेंगे. This is all about our Telegram channel. यहाँ पर NEET Placebo नाम का हमारा Telegram एक channel है, जो कि आप join कर सकते हैं just by downloading this app from Google Play Store. So आप Google Play Store पे जाके Telegram app को search करिए, उसे install कीजिए and then open it. After opening, you just have to search NEET Placebo. और आप जो है हमारे group के साथ जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हमारी सारी special classes जो होती हैं, which are totally free of cost. उन सबके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्लस आपको सारी YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे. नाउ प्लस प्लेटफॉर्म विच इज रियली इनक्रेडिबल एंड एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म टू लर्न एज वेल एज टू टीच. वहां पर आपको क्विजेज एज वेल एज टेस्ट मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला इन टूडेज डे. ओके, आज के दिन में कुछ नहीं होने वाला है सिर्फ थ्योरी से, क्योंकि काफी लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं. एंड वी नो वेरी वेल कि यू नो प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग कर सकती है. अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ऑब्वियसली बाकी लोगों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज पर रहेंगे. ओके, देन देयर इज डाउट क्लियरिंग सेशन. फॉर एग्जाम्पल, टुमारो इज माय डाउट क्लियरिंग सेशन. तो अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई होंगी, उन सभी के जो डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स के, वो हम वहां पर जो है सॉल्व किया करेंगे. लाइव क्लासेस यहां पर होती हैं, सो एक इंटरैक्टिंग प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर आपको जो है टीचर दिखाई देगा, सुनाई देगा, प्लस आप जो है उनसे बात भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर. एंड दिस इज अ पर्सनलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग, जहां पर काफी ज्यादा मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही. दीज आर सम इंपॉर्टेंट कोर्सेज विच आर लिस्टेड ऑन प्लस. तो आप लोग जब प्लस पे जाएंगे, तो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज और इतने सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ाई करने का जो है मौका मिलेगा. सो आपको जो है एक सिंपल सी बात यहां पर यह समझनी है कि आपको एक एजुकेटर से स्टिक होकर नहीं रहना वहां पर. ओके, जैसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, अगर आपको कोई और टीचर किसी दूसरे टीचर के मुकाबले ज्यादा पसंद है, देन यू कैन स्विच. तो आप जो है उनके क्लास का शेड्यूल देख सकते हैं, अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, एंड आप उनके क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस भी देख सकते हैं. सो यहां पर अभी जो एक नया फीचर आया है, दैट इज मंथली मॉक टेस्ट, जहां पर आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है. तो आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि आपको थ्योरी लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको जो है डाउट सेशंस प्लस मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. सो आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का कोर्स लेने के लिए करना क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं. यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे कहीं एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर देयर. आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्लस, आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, और आपको अपना पसंदीदा पैक जो है वो चूज करना है. फिलहाल अगर आप मेरी सलाह माने, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए पैक रहेगा, वो रहेगा अराउंड 6 months वाला पैक. क्योंकि अगर आप एक 6 months का पैक लेंगे, तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ कोर्स जो है वो भी मिल जाएगा. प्लस काफी सारे एजुकेटर्स आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स भी अपना लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि मैं लॉन्च करने वाला हूँ पर्सनली, तो आपको मेरा क्रैश कोर्स भी देखने मिलेगा. तो सिर्फ 6 महीने में भी आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं. और ये वाला कोर्स जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो आपको अराउंड 4,000 rupees पर मंथ पड़ेगी. लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं विपिन लाइव, ओके, VIPINLIVE, अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं, देन आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपके क्रैश कोर्स लॉन्च करती है, उनकी फीस काफी ज्यादा रहती है, और वो क्रैश कोर्स अराउंड 50 से 60 दिन का होता है. यहां पर आपको 6 months का एक पूरा कोर्स मिलेगा, जहां पर आप फुल लेंथ कोर्स प्लस क्रैश कोर्स एनरोल कर सकते हैं. आपकी टेस्ट सीरीज भी वहां पर होगी, तो आपको यह डर नहीं रहेगा कि बाकी क्रैश कोर्सेज की तरह आपका सिलेबस पूरा होगा या नहीं, क्योंकि वहां पर काफी सारी अच्छे लेंथ के कोर्सेज भी चल रहे हैं. सो ऑब्वियसली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए 6 मंथ में भी, और आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, देन प्लीज ये जो 6 महीने वाला कोर्स है, ये आप एनरोल कीजिए और विपिन लाइव कोड को यूज कर लीजिए. सो यहां पर आप जब कंटिन्यू करेंगे, तो आपको विपिन लाइव कोड जो है
insert करना है और apply करना है. After applying this course, you will be getting instant 10% off. So, जो आपका 12 months का pack है, वहाँ पर आपको instant 10% off मिलने के बाद, ये course आपको 27,000 rupees में पड़ जाएगा. और अगर आप course लेते हैं 24 months वाला, जिसकी cost है 48,000 rupees, अगर आप उसमें Vipin live code insert करते हैं, तो आपको जो course है, around 43,000 में पड़ जाएगा. Okay? So now अब हम हमारे topic पे आते हैं कि how to ace NEET 2020 in last 5-6 months. हमें पता है कि हमारे 5-6 महीने बचे हुए हैं and these 5-6 months are really crucial and really important for your preparation. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी महीने होते हैं. आप जब अपनी पढ़ाई करना start करते हैं तो आपका morale जो है वो बहुत ज़्यादा boosted होता है. आप बहुत ज़्यादा you know अच्छा feel कर रहे होते हैं that you are preparing for NEET. नीचे आते आते लोग आपको काफी ज्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट की दिमाग की हालत समझकर बिल्कुल भी यू नो खुश नहीं है. वो चाहते हैं कि स्टूडेंट उनके तरीके से काम करे और स्टूडेंट जो है उनकी बातें सुने. कि अगर वो उन्हें कह रहे हैं कि आप 14 घंटे पढ़ो, तो स्टूडेंट 14 घंटे ही पढ़े. वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर मेरा बच्चा 14 घंटे नहीं पढ़ रहा है, देन उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा. सो आप जो है प्लान आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बनाइए, और आप अगर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक रेगुलेटेड मैनर में ही पॉसिबल है. आप अगर 2 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो आप अचानक से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते. उसके लिए आपको एक स्टेप वाइज मैनर में चलना पड़ता है, और अराउंड आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा खुद को इस काबिल बनाने के लिए कि आप इस बड़े जो बैरियर है इसको जंप कर पाए, क्रॉस कर पाए. और ये भी तभी हो पाएगा जब आप अपने रेगुलर एफर्ट्स लगाएं. तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है आपके नीट 2020 प्रिपरेशन के लिए, कि आपको किस तरीके का कंटेंट वहां पर पढ़ना है, कितना टाइम किस चीज को देना है, कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व करने हैं इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और क्या क्या रेशियो जो है टाइम का आपको रखना है. कि अगर आप बायोलॉजी 1 घंटे पढ़ते हैं तो कितनी देर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप फिजिक्स 1 घंटे पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करें पर चैप्टर. इन सब चीजों का जो है आज आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूं मैं. सो सबसे पहली जो चीज है वो है यूटिलाइज टाइम इन अ बेटर वे एंड गिव टाइम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी. इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो चैप्टर जितना टाइम यू नो डिमांड करता है, उसे उतना ही टाइम देना चाहिए. क्योंकि आपके पास टाइम इतना बचा है कि मैं अगर आपको एक चीज सजेस्ट करूं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि आप 1 चैप्टर पर डे कर पाए. क्योंकि 1 चैप्टर पर डे आज के दिन में जनरली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना सारा कॉन्टेंट है ऑन यूट्यूब. अगर आप इसी चैनल पर देखें या फिर आप किसी और चैनल पर भी देखें, तो आपको जो है कॉन्टेंट बहुत सारा मिल जाएगा. जैसे कि अगर आप मेरी एनसीईआरटी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आप लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वीडियोस देखते हुए एनसीईआरटी का 1 चैप्टर बायोलॉजी का डायरेक्टली कर सकते हैं. यानी कि अगर आप दिन के 3 घंटे भी देते हैं, तो बायोलॉजी का 1 चैप्टर आपका डन हो जाता है. और उसके साथ अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस को दे देते हैं, तो आपका वो चैप्टर हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा. यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. सो ये तो एटलीस्ट आपकी स्पीड होनी ही चाहिए 1 चैप्टर पर डे, बिकॉज देयर आर अराउंड 98 to 100 चैप्टर्स. और जो 100 चैप्टर्स हैं उनको यानी 3 से 3.5 महीने का टाइम आपको देना है. एंड एटलीस्ट आपको इतना टाइम बचाना भी है कि 2 महीने या एटलीस्ट 1 महीना आपको एंड का रिवीजन के लिए मिले. सो अगर आप एक सेफ जोन में चलना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपका एग्जामिनेशन से 1.5 या एटलीस्ट 1 महीने पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो जाना चाहिए. अब यहां पर है गिव टाइम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी. इसका क्या मतलब है? गिव टाइम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि देर आर सम चैप्टर विच डिमांड्स टाइम, देर आर सम चैप्टर विच डू नॉट डिमांड टाइम. और जिन चैप्टर की डिमांड ही नहीं है, आप अगर उन पे 1 दिन बर्बाद करते हो, इसका मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो. आपने एक प्लान बनाया 1 चैप्टर अ डे, दैट्स वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि आप दूसरे चैप्टर को हाथ नहीं लगाएंगे. अगर आपका 1 चैप्टर पर डे कंप्लीट हो जाता है, देन दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरे चैप्टर को करें. जैसे कि अगर आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, वो चैप्टर बहुत ही आसान और छोटा है. तो अगर कोई बच्चा बैठता है, तो 1.5 से 2 घंटे में उसे आसानी से कर सकता है. अगर लिविंग वर्ल्ड को आप करना चाहें, तो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं. अगर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को आप करना चाहें, तो आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं. सो देर आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो, जो कि आप बहुत कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं. तो क्या आप क्या कीजिए कि उनके जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में या तो आप कोई फिजिक्स का चैप्टर ले लीजिए जो कि बहुत लंबा है, आप कोई केमिस्ट्री का चैप्टर ले लीजिए जो कि बहुत लंबा है, जैसे आपके केमिकल काइनेटिक्स है, या फिर आपका पी ब्लॉक है, या फिर आपका डीएफ ब्लॉक है, इस तरीके के चैप्टर्स. या तो आप ऐसे चैप्टर ले लीजिए जो कि आपको पहले से आते हैं, जिससे कि आपका सिलेबस आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखे. अगर आपने 10 दिन मेहनत की, अगर आपने 15 दिन मेहनत की, एंड इफ यू स्टिल
लुक एट योरसेल्फ और आपको लगता है कि आपने 15 दिनों में जेन्युइनली कुछ नहीं किया, तो वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है एक स्टूडेंट के लिए। कोशिश ये कीजिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, और मोटिवेटेड रहने के लिए रेगुलरली काम करना प्लस आउटपुट मिलना भी जरूरी है। सो जितना इंपॉर्टेंट आपका काम करना है, उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट मिलना भी जरूरी है, क्योंकि रेगुलरली काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन तब मिलती है जब आप खुद को इंसेंटिव दें, जब आप खुद को गिफ्ट्स दें, जब आप खुद को अवार्ड्स दें, और वो अवार्ड्स होता है आपकी प्रोडक्टिवनेस। अगर आपके काम में प्रोडक्टिवनेस या आउटपुट झलकता है, देन ऑब्वियसली आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैं इस काम में थोड़ा अगर और मेहनत करूँगा तो मैं इस काम में अपने आप को और बेहतर और बेस्ट बना सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बचे हुए टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो जिस दिन आपका कोई छोटा चैप्टर होता है, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या समझ लीजिए आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, जो कि बहुत आसान है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, इस हिसाब का कोई भी अगर चैप्टर है, तो उसके बचे हुए टाइम में आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए तब की तब, विदाउट मेकिंग एनी डिले। प्लस आप कोई और चैप्टर उठा के उसकी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना कम से कम टाइम वेस्ट करते हैं इस टाइम के दौरान। ओके, सो बहुत प्रिसाइज रहना अभी जरूरी है। 1:1 रूल इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और अप्रोच आपका सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां पर आप 1:1 रूल का पालन कीजिए। 1:1 रूल सिंपली मींस दैट द टाइम दैट यू आर डिवोटिंग टू द थ्योरी और डेरिवेशंस, द सेम अमाउंट ऑफ टाइम शुड ऑल्सो बी डिवोटेड टू द प्रैक्टिस। यानी कि जितनी देर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, लेट्स से आपने एक दिन में अपना टाइम टेबल बनाया दैट आई विल रीड 1 आवर फिजिक्स, देन ऑब्वियसली यू नीड टू डू 1 आवर प्रैक्टिस एज वेल। दिस इज 1:1 रूल, कि जितनी देर आप फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देना है, बिकॉज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर आपका बहुत खराब है तो आपके नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपको बहुत जरूरत है इस चीज पे काम करने की, और सबसे ज्यादा जरूरत है आपको पास्टर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की। तो आप डेरिवेशंस को समझिए, और उसके बाद जो है बीच वाले स्टेप से भी कहीं अगर न्यूमेरिकल बनता है तो उसे लगाने की कोशिश कीजिए। और आप बहुत हायर लेवल की बुक्स पे मत जाइए, देयर इज अ मिथ, काफी लोग कहते हैं जेईई एडवांस के आप लोग सॉल्व कर लीजिए, दैट इज अ टिप फॉर टॉपर्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं फिजिक्स में। ये उन लोगों के लिए टिप रहती है जो ऑलरेडी नीट के क्वेश्चंस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी यू नो प्राइमरी लेवल, तो आप अचानक से उतने हाई लेवल पर नहीं कूद सकते। यू नीड टू बी यू नो वेरी स्लो लर्नर अगर आप बहुत नए हैं किसी चीज में, क्योंकि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप पहले गद्दी पर बैठते हैं, आप बैलेंस बनाना सीखते हैं, आप साइकिल चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पड़ोसी का बच्चा अगर हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है तो मैं भी वही ट्राई करूं, पहले आपको दोनों हाथ से हैंडल पकड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट यू कैन बी लाइक हिम। सो हर चीज का थोड़ा बहुत टाइम जो है वो आपको यूटिलाइज करना है, आपको देना है, क्योंकि जो बेसिक चीजें रहती है जिनमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। अगर एक घर बनाना है तो वो जो घर है वो समझ लीजिए आपके 5 मजदूर मिलकर बना रहे हैं, और आपने लगा दिए 50 मजदूर, सो वो घर जल्दी बन जाएगा, दैट इज यू नो अ गुड थिंग, वो घर जल्दी बनेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपका टाइम बराबर लगेगा, जो कि आप कम नहीं कर पाएंगे। जब घर की छत डलती है या लेंटर डलता है, उस टाइम पे आपको 15 दिन का गैप देना होता है। अगर आप 1000 मजदूर भी लगा लें तो भी आपको वो 15 दिन का गैप तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना 50 मजदूर के डाली हुई छत में टाइम लगेगा सूखने में, उतना ही 5 मजदूर की बनाई हुई छत में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जितना टाइम लगता है उतना देना बहुत ज़रूरी है, और वो टाइम है आपका प्राइमरी टाइम, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सो उसको काटने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज यू विल बी अ बैड लर्नर। तो जिस चीज में जितना टाइम लगता है उसको उतना टाइम दीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल आप बहुत फास्ट सॉल्व करना सीख सकते हैं इन फ्यू आवर्स, अगर आप कुछ घंटे ही प्रैक्टिस कर लें तो भी आप एक चैप्टर में मास्टर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कंसेप्ट है उनको सीखने में जितना टाइम देना चाहिए, आपको डिवोट करना चाहिए, वो आप दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि वो टाइम आपको ही जो है बहुत अच्छे मार्क्स लाकर देगा। सो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको आप एक दिन से ज्यादा भी दे सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके, जैसे कि आपका मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, देर आर सम टॉपिक्स जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर उनको आपने एक दिन से ज्यादा दे भी दिया और उनके आपने जम के प्रैक्टिस कर भी ली तो भी कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको प्रोडक्टिवनेस दिखाई देगी। नाउ पोमोडोरो मेथड, अगर आप नींद के बहुत कच्चे हैं या फिर अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन पोमोडोरो मेथड इज जस्ट फॉर यू।
आप अगर नए नए पढ़ाई करने बैठे हैं या फिर अगर आपको ये वीडियो देखकर या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर पढ़ाई करने का मन करता है तो आप क्या कीजिए, आप 40 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 40 मिनट आप अपनी पढ़ाई कीजिए घड़ी देखकर और 20 मिनट उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो आपको करना है वो करिए। सो इस तरीके से पोमोडोरो इज बेसिकली अ क्लॉक। ओके, सो क्लॉक देखकर आप जब पढ़ाई करते हैं तो वहां पर हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान का जो ब्रेन है वो 50 मिनट से ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकता, उसे 10 मिनट एक घंटे में रिफ्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर आप वो रिफ्रेशमेंट दे देते हैं यहां पर 10 या 20 मिनट की, तो आपका दिमाग आगे एक घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो पोमोडोरो मेथड इज समथिंग दैट आई रियली बिलीव इन। मैं फेमस टेक्निक में तो बिलीव करता ही हूं, मैं पोमोडोरो टेक्निक में भी बिलीव करता हूं। जब मेरे को काफी ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत रहती है, जब मुझे काफी घंटे लगातार काम करना पड़ता है, काफी बार दिन में ऐसा होता है कि मेरे पास इतना टाइट शेड्यूल होता है कि मुझे दिन के 14 घंटे काम करना पड़ता है, वहां पर मैं 50:10 के पोमोडोरो जो सेटिंग है वो बैठाता हूं कि 50 मिनट काम 10 मिनट आराम, 50 मिनट काम 10 मिनट आराम, और इससे एफिशिएंसी बनी रहती है, प्लस मैं ज्यादा बोर भी नहीं होता। रिवाइज एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। जितना आपका पढ़ना जरूरी है उतना ही आपका रिवाइज करना भी जरूरी है। और एनसीईआरटी का एक सीक्रेट जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना जरूरी आपका प्रैक्टिस है, जितना जरूरी आपको थ्योरी है, उससे ज्यादा जरूरी मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, उससे ज्यादा जरूरी है आपका सिलेबस पूरा करना। अगर आप सिलेबस के 4 चैप्टर या 5 चैप्टर छोड़ के जाते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, लोग खा जाएंगे आपको मारकर। यह कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा है। अगर आप अपने आपको टॉप 100 में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आपको टॉप 500 में देखना चाहते हैं, मेक श्योर आप हर चीज को पढ़ें, आप एक भी चीज स्किप ना करें, सिलेबस तो एटलीस्ट आपका भयंकर तरीके से पूरा हो। ओके, सो सिलेबस पूरा होना बहुत जरूरी है, और उस सिलेबस को पूरा करके रिवाइज करने के लिए आप एटलीस्ट 1 महीना जरूर छोड़ें, जिसमें आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, 2 या 3 बार पढ़ें, ज्यादा बार पढ़ लें तो दैट्स वेरी गुड, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके बाद आप जो है रिविजन कर सकते हैं PYQs, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको नीट में लगाने हैं अराउंड 15 ईयर्स के, इससे पीछे के जो थे वो थोड़े से इररिलेवेंट थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग लगा सकते हैं जितना पीछे के आप लोग लगाना चाहें, बायोलॉजी में लास्ट 15 ईयर्स इज मोर देन सफिशियंट। आप अगर 10 साल भी लगाएंगे लास्ट ईयर के, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जो है सफिशियंट है। सो आपको 15 साल से पीछे नहीं जाना है बायोलॉजी में। ओके, एनसीईआरटीज आर गॉड फादर बुक, सो अगर आपको रिविजन करना है तो आप किसी हैंडबुक को यूज कर सकते हैं और आप एनसीईआरटी बुक को यूज कर सकते हैं। हैंडबुक से याद आया दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ रिविजन हैंडबुक फॉर यू गाइस। सो आप लोगों की इस साल के नीट से पहले वो हैंडबुक आप लोगों के हाथ में होगी, जिससे कि आप प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं। वो इसी बात को मद्देनजर रख के बनाई गई है कि स्टूडेंट्स को एंड में, स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं अराउंड 10-11 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, लेकिन उनको रिवाइज करना बहुत भारी हो जाता है। सो उसके लिए एक रिविजन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक बुक डिजाइन करने की मैंने सोची थी, विच इज गोइंग टू बी बेस्ट बुक फॉर यू दिस ईयर। सो आप लोग जो है उसका इंतजार कीजिए, काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीक से, सो यू विल गेट दैट बुक वेरी सून। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर, पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करें? अगर आप बायोलॉजी की बात करें देन 150-200 क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ। ये अपर लिमिट है जो मैं बता रहा हूं। अगर आप 120-130 या 150 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, दैट्स इनफ, इट मींस दैट यू हैव मास्टर्ड द चैप्टर। अगर आप बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप यहां पे 200 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेते हैं, दैट मींस दैट यू हैव मास्टर्ड द चैप्टर नाउ। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप एक ही तरीके के 10 न्यूमेरिकल्स करें, वो उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं होगा, वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा अगर आप 10 अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो वैरायटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केस अगर चेंज हो गया तो आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी चेंज हो गई तो वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में मदद करेंगी। समझ लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाँ यार मैंने 2 kg आलू खरीद लिए, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20 kg, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यू नो द प्रोसीजर। लेकिन एक में दिया हुआ है 2 kg आलू मैंने खरीदे, और दूसरे में लिखा हुआ था कि 5 किलो आलू मैंने खरीदे और उसमें से 1 kg मैंने किसी और को दे दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे, तो उसको अगर मैं इतने इतने में बेचूं तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा, वहां पर पूरा केस चेंज हो गया। सो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ कंसेप्ट पर भी इफेक्ट पड़ा है। सो मेक श्योर दैट आप एक ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक ले जहां पर काफी सारे केसेस जो है ले रखे हैं इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे फॉर नीट बहुत अच्छी बुक है, तो आप जो है उसे यूज कर सकते हैं। आप लोग काफी और भी यूज कर सकते हैं, जैसे एम फॉर एम्स की भी आती है, फिजिक्स गियर अप, आप लोग एमटीजी की भी यूज कर सकते हैं, देयर आर हेल लॉट ऑफ बुक्स, आप सारी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही यूज करनी है इनमें से। ओके,
देन कंप्लीट सिलेबस करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया. नाउ स्टिक टू द सोर्स. इट मींस दैट अब मैं आपको यहां पर ये जो बात है ये अपने हाथ खुले रखकर समझाने की कोशिश करूंगा. यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि कोई भी आपको यहां पर अगर सलाह दे कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, आप उस बुक पर जाइए, लेकिन एटलीस्ट उस बुक को पहले कवर कीजिए जो कि आपने खरीद रखी है. विदाउट कंप्लीटिंग योर बुक दैट यू वर रीडिंग अर्लियर, यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट वेरी बुक. आप नेक्स्ट बुक पर जा ही नहीं सकते विदाउट कवरिंग दैट वन. आपने समझ लीजिए आप जो बुक सॉल्व कर रहे थे उससे आपने 10 चैप्टर सॉल्व किए. सो अगर आप उसके 20 और चैप्टर सॉल्व कर लेते तो आपका सिलेबस पूरा हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने वही 10 चैप्टर दूसरी बुक से सॉल्व किए. यानी कि जहां पर आपका 20 चैप्टर्स का सिलेबस पूरा होना चाहिए था वहां पर आपका 10 ही हुआ. देन समवन एल्स विल सजेस्ट यू सम अदर बुक. आप अलग अलग बुक से सेम चैप्टर्स को रिवाइज करते रहते हैं. कुछ चैप्टर आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो कि आपको ऑब्वियसली प्रोडक्टिव मार्क्स दिलाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके स्टिल अनटच्ड रहते हैं जहां से न्यूमेरिकल आ जाता है तो पेपर में आपकी हालत खराब हो जाती है. सबसे जरूरी यह है कि एक चीज को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हैं. अगर आपने एक जगह से अगर आपने थ्योरी पूरी कर ली तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये जो है थंब रूल है. सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक जगह से पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, चाहे आप छोटी बुक से कर लें, चाहे आप एनसीईआरटी से कर लो. उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस बुक पकड़ो, वहां पे आपको कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ढूंढो, उसको अपनी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर दो. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने दूसरी बुक पढ़ी, फिर आपने तीसरी बुक पढ़ी, एंड नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वो जो है टोटली एक कंफ्यूजिंग एजेंडा होता है. तो आपको क्या करना है, यू नीड टू बी स्टिक टू योर सोर्स. आपको अपने सोर्स पे बहुत अच्छे तरीके से स्टिक रहना है. आपको यहां से हटना नहीं है किसी को भी कहने पे. ओके, बिकॉज पीपल विल सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ बुक्स. सिर्फ वो बुक्स खरीदिए जिस पे आपका विश्वास हो, जो कि यू नो सबसे क्रूशियल बुक्स हो प्रिपरेशन के लिए. सिर्फ आप पहले उनको खरीदिए, उसके बाद आप उनको पूरी करने के बाद किसी और पे जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बुक जो कि आपको लगता है प्रोडक्टिव होगी. ऑलराइट, ऐसा नहीं कि आपने 20 बुक्स रख ली एंड यू आर गोइंग टू रीड देम ऑल. नो, फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट वन बुक एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गो टू सम अदर रिसोर्सेज. सो ये जो है आपके बेसिक कुछ फैक्ट्स थे. तो आने वाले टाइम में आने वाली जो वीडियोस बनेंगी उनमें एनसीईआरटी का तो मैं सारा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ. पहले मेरा बेसिक जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा कि क्रैश कोर्स हम लोग चलाएंगे प्लस पे एज वेल एज ऑन यूट्यूब. यहाँ पर जो आपका जो है क्या कहते हैं हम लोग बेसिक एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सबसे पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एज पे जाएंगे. सो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले आप कोर्स का लेवल बढ़ा दीजिए. यार एनसीईआरटी की प्योरिटी को मैं टच नहीं करता, यू नो दैट वेरी वेल. मैंने अराउंड 1000 वीडियोस बनाई है, वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड थी. एनसीईआरटी सच में जो है बहुत अच्छी बुक है. इसकी प्योरिटी को हार्म करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था और ना ही मैं करूंगा. पहले मैं आराम से एनसीईआरटी वीडियोस बनाऊंगा. आफ्टर दैट बहुत एडवांस बायोलॉजी हम जो खुद पढ़ रहे हैं वो बहुत एडवांस बायोलॉजी है, उस पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एडवांस बायोलॉजी यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन एनसीईआरटी को पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक एक वर्ड पहले हम एनसीईआरटी का समझ लें, जिससे कि हमारे पास ये श्योरिटी हो जाए कि एटलीस्ट 330 तो हम लोग स्कोर कर ही देंगे. उसके बाद वी विल गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, सो एनसीईआरटी के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं. सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स हम लोगों ने बचाए हैं. अदर देन दैट ऑल द चैप्टर्स आर कंप्लीटेड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. तो आप जो है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जाकर देख सकते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी एटलीस्ट टिप्स पर हो जाएगी. इफ यू आर अ बोर्ड एस्पिरेंट देन दोज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर योर प्रिपरेशन. आप 3 से 4 घंटे में अपना एक चैप्टर जो है पूरा डन कर सकते हैं रोज. ऑलराइट, सो दीज आर सम बेसिक स्ट्रेटजीज एंड आई होप दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम. सो थैंक यू सो मच गाइज. आप प्लीज इस चैनल से रिलेटेड जितना भी कॉन्टेंट है उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जो बेल आइकन है उसको प्लीज आप लोग प्रेस कर दीजिए और इस वीडियोज को यू नो लाइक कर दीजिए जो भी हमारी वीडियोज आते हैं, जिससे कि आप लोगों की तरफ से जो मोटिवेशन आता है वो हम तक पहुंचे, क्योंकि वो हमें लाइक डिसलाइक रेशियो की मदद से ही पता लगता है कि कितने स्टूडेंट्स आप लोगों के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो अभी तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू. और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज जो है बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग प्रेस कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड.